हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज हम मूंगफली की गजक बना रहे हैं, जो सर्दियों में सभी को बहुत पसंद आती है और सर्दी के दिनों में इसे खाना हेल्दी भी माना जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंगफली ली है और एक कटोरी गुड़। जितनी मूंगफली लेनी है उतना ही गुड़ लेना है। मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है। आप अगर कच्ची मूंगफली ले रहे हैं तो उसे आपको 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है और ठंडा कर उसका छिलका उतारना है। अब मैं यहाँ पर मूंगफली को प्लेट में डाल दूँगी। मुझे इसका ये छिलका उतारना है, जिसे हम हाथों से रब करते हुए अच्छे से सारे छिलके मूंगफली के उतार लेंगे। देखिए, बहुत आसानी से उतर जाते हैं ये। अब सारे छिलकों को मैं उतार लूँगी। ये देखिए, सारे छिलकों को मैंने मसल कर उतार लिया है। मूंगफली अलग हो गई, छिलके अलग हो गए हैं। अब एक आपको बड़ी थाली लेनी है। बड़ी थाली में इसको छांटना है और इसे मूंगफली को अलग कर देना है और छिलके अलग हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो बड़ी छन्नी से छान भी सकते हैं। ये देखिए, सारी मूंगफली मैंने साफ़ कर ली है और जो बड़े पीसेस ऐसे बच गए हैं साबुत, उन्हें आप ऐसे हाथों से मसल कर दो दो पीसेस में कर लीजिए। अब हम गजक बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप कोई भी हैवी बॉटम बर्तन ले सकते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। और अब इसमें गुड़ डाल देंगे। गैस हमको एकदम स्लो रखनी है यहाँ पर, और गुड़ को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमें करछी से चलाते हुए ही सारे गुड़ को मेल्ट करना है, जिससे कि गुड़ जल ना जाए। अगर गुड़ जल गया तो गजक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए, गुड़ में अच्छे से बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब गुड़ पकना शुरू हो गया है। गुड़ में करछी चलाते रहना है हमें। अब गुड़ को पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी में ठंडा पानी लिया है। अब देख लेते हैं कि अभी हमारी गजक बनाने की स्टेज आ गई है गुड़ में या नहीं। तो ये देखिए, पहले हम इसे पानी में डालेंगे। ये देखिए, अभी भी सॉफ्ट है गुड़। हमें जिस तरह का चाहिए गजक बनाने के लिए गुड़, अभी वैसा तैयार नहीं हुआ, अभी सॉफ्ट है। तो अभी 1-2 मिनट और पकाएंगे हम गुड़ को, करछी चलाते रहेंगे। ठीक है, गुड़ का कलर चेंज होने लगा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं गुड़ को। हाँ, मैंने पानी में डाल दिया है थोड़े से गुड़, फिर देखेंगे इसको चेक करके। ये देखिए, एकदम से टूट रहा है, क्रंची हो गया है। बस हमें ये वाला स्टेज चाहिए था गुड़ का। अब हम इस स्टेज पर गुड़ में मूंगफली डाल देंगे। गैस मैंने ऑफ कर दिया है, गैस को ऑफ़ कर लेना है आपने। गैस ऑफ़ करते ही इसमें मूंगफली डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारी मूंगफली को अच्छे से मिक्स करना है गुड़ के अंदर। जल्दी जल्दी चलाते हुए हम सारी मूंगफली को अच्छे से गुड़ के अंदर मिक्स कर लेंगे। देखिए, सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब सारे मिक्सचर को हमें एक थाली या कोई भी आप बोर्ड ले सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड, उस पर ऑयल लगा लीजिएगा। ये मैंने एक थाली ली है, इसको मैंने ऑयल लगा रखा है। थाली की बैक साइड है। अब सारे मिक्सचर को, गजक के जितना भी जो मिक्सचर है उसको इसके ऊपर डाल लेंगे हम। ये वाला जो प्रोसीजर है हमें जल्दी से करना है, नहीं तो गजक ठंडी हो जाएगी तो आप अच्छे से इसको बेल नहीं पाएंगे। सारा जितना मिक्सचर है निकाल लीजिएगा। देखिए कितनी अच्छे से तैयार हुई है गजक। ये जो इसमें रेशे बन रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारा गुड़ बहुत अच्छे से पका है और बहुत अच्छी कड़क गजक तैयार होगी। तो सारे मिक्सचर को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है अच्छे से। अब ये मैंने एक बेलन लिया है, बेलन पे मैंने ऑयल लगा रखा है। अब आपको इसको बेलना है, हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लीजिए। ज़्यादा पतला नहीं करना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बेल लिया, थोड़ा सा शेप भी दे रही हूँ मैं।
स्क्वायर पीसेस में कट करूँगी, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा शेप कर लिया है। आप जैसे आपका जैसा मन है वैसे आप इसको शेप दे सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है इसके ऊपर। अब एक शार्प नाइफ से हम इसको कट लगा लेंगे इसी स्टेज पर। हल्का गर्म है अभी ये, तो अभी लगा लेंगे जिससे कि हम जब पीसेस निकालेंगे ठंडा होने के बाद में तो वो इजीली निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर पीसेस में इसको कट लगा रही हूँ। जो किनारे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं निकाल दूंगी बाद में, उसको भी मैंने अलग कर दिया है। ये आपका मन है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी ठंडा करके इनको पीसेस को तोड़ के खा सकते हैं। यहाँ पर बस थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा इसलिए मैंने इसे पीसेस में कट किया है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही पीसेस को निकालना है, आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी शाइन आई है इसमें और बहुत अच्छे बने हैं। अब आप भी अपने घर में जल्दी से बनाइए, सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये गजक, और सर्दियों में बना के खाइए इसे। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।